चलिए सुनिएगा, अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। उसे सीखने से पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ऊपर देखिएगा, ऊपर आइए। अच्छा, आपको पता है जब आप कहीं पर भी ब्लड ग्रुप जचवाने जाते हो, क्या जचवाने जाते हो? ब्लड ग्रुप, तो आपसे कितना रुपए लेता है? पैसे कितने लेता है? 150-200 लेता है, 350। आपको पता है एक ब्लड ग्रुप जांचने में पैसा लगता कितना है? कितना? मैक्सिमम 5 रुपए। 5 रुपए लगता है तो आपसे 350 लेते हैं। सोचिए, नहीं बिजनेस काहे का बिजनेस भाई? 5 साल MBBS किया, उसके बाद PG किया और बिजनेस बता दो, तब तो कहते हो डॉक्टर एक कलम लिखने का 500 ले लेता है, ऐसा थोड़ी। तो तुम लिख लो, अगर ये इतना ही सरल है तो वो क्या करिए, आप जांच लीजिए। अब ऐसे कहते हो कोचिंग क्यों फीस लेती है? आपको पढ़ाने का थोड़ी बेटा, एक्सपीरियंस का लेती है। वरना बेटा आप खुद पढ़ लीजिए ना, लिखा था सब कुछ किताब में। बोलो भैया, एक ब्लड ग्रुप की जाँच मात्र 5 रुपए में होती है, मात्र 5 रुपए में। 5 रुपए की जाँच, सुनते जाइएगा, 5 रुपए की जांच और पैसा जाता है कितना? 350। तो इसका मतलब आप एक अच्छे प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं जिस प्रोफेशन में कमाई आधा धुन नहीं होता, आधा धुंध होता है। ये एक स्लाइड ऐसे ली जाती है कांच की। कांच की स्लाइड में मान लीजिए एक इंसान है, उसका ब्लड ग्रुप चेक करना है, 3 खून की बूंदे गिराई जाएंगी। दोबारा सुनिएगा, कांच की स्लाइड लिया, 3 खून की बूंदे गिराई गई। दोबारा सुनिएगा, कांच की स्लाइड लिया और एक इंसान की 3 खून की बूंदे गिराई गई। सुनना मेरी बात दोबारा, एक ही इंसान की 3 खून की बूंदे स्लाइड पर गिराई गई। अब बेटा मार्केट में बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी आती है, याद करिए जब लेक्चर शुरू हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, यही तो बात हुई थी। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, यही बात हुई थी। बोलते नहीं हो यार, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। कितने लोग का कल का लेक्चर छूट गया? वो नेट पे नहीं आएगा, वो इंटरनेट पे नहीं आएगा, झेलो उसको। और कल के लेक्चर से 7 सवाल दूंगा कम से कम, ये ब्रह्मास्त्र में 7 सवाल। कितने? हाँ आओ, इधर आओ बेटा। मार्केट में, हाँ तुम्हारी बात हुई थी कि जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए एंड बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन अब्सेंट ब्लड ग्रुप। एकदम क्लियर है बात? अब आओ बेटा बोर्ड की तरफ देखो। इसका मतलब अगर आप एंटीजन पकड़ लिए, अगर आप एंटीजन पकड़ लिए तो आप ब्लड ग्रुप बता दोगे। अगर आप एंटीजन पकड़ लिए तो आप ब्लड ग्रुप आसानी से बता दोगे कि ये ब्लड ग्रुप है। पक्का? तो हमें पकड़ना क्या है? एंटीजन अगर चोर है तो पुलिस कौन है? एंटीबॉडी। अरे एंटीजन के खिलाफ कौन काम करता है? एंटीबॉडी। अगर एंटीजन चोर है तो एंटीबॉडी क्या है? पुलिस। चोर को ढूंढेगा कौन? पक्का? आओ अब बोर्ड की तरफ देखिएगा और सीखिएगा। मार्केट में रेडीमेड आती है एंटीबॉडी। मुझे जानना है कि इन 3 खून की बूंद में, जो कि एक ही इंसान की है, कौन कौन से एंटीजन मौजूद हैं। पहले वाली ब्लड की बूंद में रेडीमेड मार्केट में एंटीबॉडी आती है जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी ए। बताओ ये कौन सा एंटीजन पकड़ेगी? वाह, एंटीबॉडी ए एंटीजन बी को पकड़ेगी। एंटीबॉडी ए एंटीजन बी को पकड़ेगा। कौन कौन है सर वाले? अच्छा खड़े होइए सर जरा। कैसे सर? एंटीबॉडी बी ए एंटीजन बी को कैसे पकड़ेगा? सेम सेम आपस में भिड़ेंगे ना यार, तुम तो एकदम ही विपरीत काम करा दे दो जो इतिहास में नहीं हो सकता है। अगर एंटीबॉडी ए है तो ये एंटीजन ए को पकड़ेगा ना यार। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, बैठो। अगर हमने एंटीबॉडी बी डाली
तो बताइए कौन से एंटीजन को पकड़ेगा? बोलो यार। अरे यार ए वाला ए को ही तो पकड़ेगा। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी, एक ब्लड में इसलिए हम नहीं डालते थे क्योंकि खून का क्या बन जाता था? थक्का। पक्का? कभी दूध फटते हुए देखा है? पानी अलग हो जाता है और गाढ़ा गाढ़ा सॉलिड माल क्या हो जाता है? अलग। बिल्कुल जैसे दूध फटता है, बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं, उसी प्रकार खून फटता है। जैसे दूध फटता है उसी प्रकार क्या फटता है? ब्लड। एकदम क्लियर? अब सुनते जाना। पहले वाले में एंटीबॉडी ए डाला, दूसरे वाले में एंटीबॉडी बी डाला। अगर पहले वाले में थक्का जम गया, अगर पहले वाले में थक्का जम गया तो बताओ कौन सा एंटीजन था? ए था। क्लियर हो तो यहां बोलो। अगर दूसरे वाले, तुम्हारी पहली क्लास है क्या? तो फिर पहचान का ही नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा, चश्मा भी नहीं लगाया। दूसरे वाले में एंटीबॉडी भी डाला, बताओ कौन सा एंटीजन होगा कि थक्का जम जाए? और अगर थक्का नहीं जमा तो एंटीजन भी नहीं होगा। पक्का? यस सर। मानोगे नहीं, लगभग एक घंटे आर थ्री को समझाया, नहीं आर वन को लेक्चर लग गया था पूरा दो घंटे। एक घंटे सरल सी बात समझाई थी कि एंटीबॉडी ए डालने पर अगर थक्का जम गया मतलब एंटीजन ए था, और एंटीबॉडी बी डालने पर अगर थक्का जम गया तो एंटीजन बी था। ये एक घंटे का टॉपिक है, सुधर जाओ छोरो। अब इधर देखो, तुमको नहीं लगता ये लोग बहुत तेज सीखते? लगता है कि नहीं लगता है? आओ, अभी नया दिमाग है, इस साल सेलेक्ट हो गए तो ठीक, नहीं सेलेक्ट हुए तो तुम्हारी तरह हो जाएंगे। वो जो कैसे फिर सीखने का प्रोसेस क्या हो जाता है? स्लो। आओ, एंटीबॉडी ए डाला थक्का जमा तो एंटीजन ए था, एंटीबॉडी बी डाला थक्का जमा तो एंटीजन बी था, और अगर आरएच एंटीबॉडी डाली और थक्का जमा जी आरएच एंटीजन, इसका मतलब क्या हुआ? आरएच एंटीजन था, मतलब ब्लड को पॉजिटिव या नेगेटिव? एकदम क्लियर है वाली बात। मान लो पहले वाले में थक्का जमा, सिर्फ पहले वाले में, तो कौन सा एंटीजन था? खत्म। दूसरे वाले में सिर्फ जमा, नेगेटिव पॉजिटिव ना बताओ अभी हमें। अगर सिर्फ दूसरे वाले में सिर्फ थक्का जमा तो बी, दोनों में जम गया तो एंटीजन ए भी था एंटीजन बी भी था। अरे पहले में भी जमा दूसरे में भी जमा, तो एंटीजन ए भी था और एंटीजन बी भी था। ब्लड ग्रुप ए, और दोनों में थक्का नहीं जमा। बोलो यार। अब तीसरी ब्लड की बूंद देखो, ये बताएगी आरएच एंटीजन था या नहीं था। अगर आरएच एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। मान लो थक्का जम गया और नहीं जमा, बोर्ड की तरफ देखो, आठ सवाल दे रहा हूं, कितने सवाल? आठ, बैक टू बैक। आइए, आठ स्लाइड है आपके पास अलग अलग इंसान की, आपको सबका ब्लड ग्रुप बताना है। बनाइए, आओ। जितने लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट, वो खड़े हो जाएं ईमानदारी के साथ। खड़े हो? गुड। ये एक इंसान की तीन खून की बूंदे हैं, एक ही इंसान की, ध्यान रखना। ये नियम है इंटरनेशनल कि पहले वाले में एंटीबॉडी ए डालेंगे, ये नियम है, समझना अच्छे से। बनी बनाई रेडीमेड मार्केट में एंटीबॉडी आती है, ठीक है, शीशियों में, नीली पीली और कलरलेस, तीन शीशियाँ होती हैं। तो पहले वाले में आप एंटीबॉडी ए डालोगे ये कन्फर्म है, ये इंटरनेशनल नियम है।
दूसरे वाले में एंटीबॉडी बी डालोगे, तीसरे वाले में आरएस डालोगे, देखते जाइए। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी और आरएच, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? क्या बोला था? जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। अब समझना मेरी बात, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। तो क्या पकड़ ले तो ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। एंटीजन पकड़ लो, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए एंड बी, सॉरी ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी, ब्लड ग्रुप जीरो एंटीजन एब्सेंट, सिंपल। अगर एंटीबॉडी ए डालने पर थक्का जमिस, तो बताओ एंटीजन ए था या नहीं था? पक्का? Yes, तभी तो थक्का जमा। मतलब एंटीजन ए एब्सेंट, प्रेजेंट। और अगर नाय जमिस तो एंटीजन ए एब्सेंट। एंटीबॉडी बी डालने पर अगर थक्का जमता है जमिस, तो एंटीजन बी है, और ना जमिस तो एंटीजन बी नहीं। कोई दिक्कत भी है यहां तक? दिक्कत? कोई दिक्कत? एंटीबॉडी ए डाला, क्यों ब्लड ग्रुपिंग दिमाग में चला रही हो कि ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए एंटीबॉडी बी? मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो एकदम अलग बात है। यहां पर मुझे, मैं बाहर से एंटीबॉडी डाल रहा हूं मार्केट में जो रेडीमेड आती है, ताकि मुझे ब्लड ग्रुप पता चले। तुम्हारे दिमाग में ये क्यों आ रहा है एंटीबॉडी ए मतलब ब्लड ग्रुप बी, इसका क्या मतलब है? वो अलग बात है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं। ये तो हम ब्लड ग्रुप पहचान रहे हैं, जो भी आदमी है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो बात अलग थी कि ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी एंटीबॉडी एब्सेंट, ब्लड ग्रुप जीरो एंटीजन एब्सेंट एंटीबॉडी ए एंड बी, वो अलग बात थी। उसको इससे क्यों रिलेट कर रहे हो? हाँ, आप बार बार रिलेट क्यों कर रहे हो जब उसका इससे कोई लॉजिक ही नहीं है? ये ह्यूमन के अंदर पाई जाने वाली एंटीबॉडी थोड़ी डाल रहे हो, ये तो आप मार्केट में रेडीमेड जो आती है एंटीबॉडी एंटीजन पकड़ने के लिए। आप ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी से नहीं पकड़ते हो, एंटीजन से पकड़ते हो, और एंटीजन पकड़ने के लिए क्या डालते हो आप? एंटीबॉडी। इंसान के ब्लड की एंटीबॉडी थोड़ी है, सीधी सी बात है। अगर आप मार्केट से लाकर एंटीबॉडी ए डालोगे तो इसका मतलब एंटीजन ए था। अगर एंटीबॉडी ए डाले थक्का जम गया मतलब एंटीजन ए था, आपने एंटीबॉडी बी डाला थक्का जम गया इसका मतलब एंटीजन बी था, और नहीं जमा तो नहीं था, सिंपल। और अगर आपने आरएच एंटीबॉडी डाली जमिस मतलब आरएच एंटीजन था, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। अगर ना है जमिस तो आरएच एंटीजन नहीं था, ब्लड ग्रुप नेगेटिव, सिंपल। आप ब्लड ग्रुपिंग को इससे रिलेट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ब्लड ग्रुपिंग एक अलग बात थी, ये एक अलग बात है, समझ पाए बात को? यहाँ पर सिर्फ हम पकड़ते हैं ब्लड ग्रुप को कि इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर हमने आपका एंटीबॉडी ए डाला थक्का जम गया, इसका मतलब एंटीजन ए था, बात खत्म। मुझे ब्लड की एंटीबॉडी से कोई मतलब ही नहीं है, ब्लड की एंटीबॉडी के बारे में मेरे को कोई सोचना ही नहीं है, समझ पाए मेरी बात? बैठो सॉल्व करो, पक्का कह रहे हो? अच्छा, सच पता चल गया मुझे इसलिए। अच्छा अब सुनो, लड़का हो लड़की हो मतलब बेटा सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, किसी को भी हो सकता है। सर इस बीमारी में होगा क्या? होता है, बीमारी का नाम पकड़ना बस, एरिथ्रो
जबरदस्ती बढ़वा रहे हो क्या? पता मेरा मन कितना, तुम्हें लगता है मैं ऐसे पढ़ाता हूँ धीरे धीरे आराम आराम से? साले पता है कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा ईमानदारी, ईमानदारी से कितने लोग पढ़े हुए आराम तुम्हारे करो? क्या उनको नहीं पढ़ा है? अरे यार अब देर से आए तो हम क्या करें? इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस बेटा, अरे रहन दो, रिवाइज हो जाएगा। वाह भाई वाह, कहाँ के सर से पढ़ा दिए, रिवाइज हो जाएगा। तुमको हम रिविजन वाले टीचर लग रहे हैं। आरबीसी इसमें क्या करेगी? ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब क्या होगा? दगेगी। सुन लो भैया, इधर प्रेशर बैच, बस हमको इतना बताओ कहाँ तक हम लोग की बात हुई थी? कह रहा यहीं तक हुई थी। कार्डियक साइकिल हो गई थी तो फिर कहाँ पढ़वा रहे हो? तो चलो एक लेक्चर का खत्म कर लेते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, इधर अर्थात जो फीटस होगा, गर्भ में पल रहा बच्चा होगा, उसकी आरबीसी क्या हो जाएगी? ब्लास्ट। पक्का? अब सुनो, मान लो ये ब्लड का पाइप है। ओ परेशान करते हो यार, ये ब्लड का पाइप है, इसके अंदर मान लीजिए ये है आपकी आरबीसी। कौन सी बीसी? आरबीसी के अंदर भरा रहता है हीमोग्लोबिन। ये माँ का पाइप है कि बच्चे का? बच्चे का। ठीक, आरबीसी जब दगेगी, ब्लास्ट होगी, तो अंदर से क्या निकलेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आगे जाकर बच्चे के लिवर के पास जाएगा। लिवर में हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होगा वर में ब्लू वर्डिन और बिलूरोबिन में। वर याद रखना, वासे वर्डिन, रासे रोबिन। नाम पकड़िए, बायोलॉजी में नाम पकड़ के बहुत कुछ पकड़ लेते हैं हम लोग। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, आरबीसी में क्या होगा? ब्लास्ट। हीमोग्लोबिन निकलेगा बच्चे के किसके पास जाएगा? लिवर। लिवर कन्वर्ट करेगा वर में वर्डिन और फिर रोबिन। बोलो यार, अगर आटे से रोटी बन रही है तो मतलब आटा कम हो रहा है, रोटी तुम्हारा शुरू से था। अच्छा सुनो, हीमोग्लोबिन किस कलर का? व्हाट व्हाट? इट इज रेड इन कलर। ओके ओके, अब सुनो मेरी बात। हीमोग्लोबिन लाल रंग का। ओए चमन खड़ा, हरा हरा, इस कलर को गौर से देखिए, ये ना तो ग्रीन है ना तो येलो है, देखिए। ना तो ग्रीन है ना तो येलो है, ये क्या है? ये क्या है? ना तो ग्रीन है ना तो पक्का, ये हर पिलाह कलर है। अरे ग्रीनिश येलो पक्का। ब्लू वर्डिन और ब्लू रूबिन का कलर भी होता है ग्रीनिश येलो। बैठो। अच्छा ये बताओ, आपको जेनेटिक्स कौन पढ़ा रहा है? हम पढ़ा रहे हैं। तो जेनेटिक्स में आपको पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? जेंटिक्स का लोड हटा दो, जेंटिक्स तो लोड नहीं, जेंटिक्स मेरी जान है, जेने वो मजा आएगा जब बातें करेंगे हम लोग। क्रेगर शॉन मैं डूब जाता हूँ उसमें। उस दिन कुछ नहीं, उस दौरान कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी हमारी आपकी, सिर्फ हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, और जेंटिक्स से वैसे भी आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो सुनिएगा, वापस आओ वापस। हाँ, जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे कि स्किन का कलर डिपेंड करता है कि मेलानिन कितना है।
ठीक है, जितना ज्यादा मेलेनिन, जितना ज्यादा मेलेनिन उतना ज्यादा करियापन। तो बताओ सबसे कम मेलेनिन कोचिंग में किसके पास? थैंक यू बेटा। सबसे ज्यादा मेलेनिन मेरे पास, सबसे कम, सबसे कम। स्किन का कलर सिर्फ मेलेनिन नहीं डिसाइड करता है, आपकी स्किन के जस्ट नीचे ब्लड के पाइप गए हुए हैं वो भी डिसाइड करते हैं। ब्लड के पाइप से एक पीला पीला खून बहता है, वाह पीला खून, पेशाब बहादुर तुम्हारा, बस चले दो। अब सुनो, हीमोग्लोबिन किस रंग का? लाल। बिलूबिन बिलूरुबिन किस कलर के? हरा। हर पिल है, इसका मतलब अगर हीमोग्लोबिन बदल रहा है ब्लू वर्डिन और ब्लू रुबिन में तो लालिमा कम हो रही है और पीलिमा पक्का। दिस इज कॉल्ड पीलिया, अंग्रेजी में जॉन्डिस। और ज्यादा आरबीसी फटी तो सीवियर केस में क्या हो जाएगी? डेथ। बात क्या था, पॉजिटिव की नेगेटिव? मां बच्चा। अब क्यों हुई बीमारी, क्या थी बीमारी, अभी कुछ मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने सिर्फ उसका नाम पकड़ा, एरिथ्रोब्लास्ट ब्लास्ट कराया, हीमोग्लोबिन निकाला, लिवर कन्वर्ट करा ब्लू रुबिन ब्लू रुबिन में, जिसकी वजह से पीलिमा बढ़ गई। बोलो जॉन्डिस शापिए। अरे फिर शुरू हो गया, आज आखिरी बार चल रहा है, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। जॉन्डिस हो गया किसको? मान लो ये एक महिला है, मानने को इसलिए कह रहे हैं कई लोग इसे कुछ भी मान सकते हैं, प्रेग्नेंट महिला है, आशीष सर हम सीधे साधे हैं भाई, ये मान लो अंदर बच्चा है, ये कौन सा बच्चा है? बच्चा नहीं है, ये बच्चेदानी है, जैसे मच्छर के लिए मच्छरदानी, बच्चे के लिए बच्चेदानी, हाँ इसी के अंदर बच्चा रहता है, ये हमारा पप्पू है। क्या क्या कलुआ? ये तोमर सर है, दाढ़ी वाली तो बनाओ भाई। रुक जाओ, बोलो नहीं, दाढ़ी बनाया ना हमको, हैंडसम लग रहे हैं सर, आओ। ये मान लीजिए ब्लड का पाइप है, ये ब्लड का पाइप, ये मसल्स दिख रही हैं, ये जो मसल्स हैं, ऐसे ही मसल जैसा मांस का टुकड़ा पाया जाता है, उसी में ढेर सारे ब्लड के पाइप होते हैं, और उस मांस के टुकड़े को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ये इतना टुकड़ा क्या हो गया, या सब लोग समझ गए प्लेसेंटा। ये बताओ ये मम्मी का खून है कि बच्चे का? मम्मी का। मम्मी ऑक्सीजन लेंगी, मम्मी काजू खाएंगी, सुना होगा ना जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो अरे खुशखबरी आई तो काजू बादाम पिस्ता सब आने लगता है, 9 महीने के लिए ऐसी इज्जत होती है कि महिला को लगता है माय गॉड आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। 9 महीने बाद फिर अब सुनो हमारी बात, तो कहते हैं 9 महीने के दौरान एक जान के अंदर एक जान पल रही है, अब माँ सिर्फ अपने लिए नहीं खा रही है, अपने बच्चे के लिए भी खा रही है, कि जितना माँ खाएगी उसका बच्चा खाएगा। सारा कितना कष्टपूर्वक बात है ना यार, दादा अपनी भूख से ज़्यादा खाना, जितना में भूख लगी हो ज़बरदस्ती ठूसना, ओ माय गॉड इट्स वेरी हार्ड, मैं इसका एहसास कभी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊँगा। आओ कहते हैं इस बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए तो माँ के ब्लड से ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये छोड़ रहा होगा क्या बाहर आके छोड़ रहा होगा? मतलब बाहर निकलेगा ऑक्सीजन खींचेगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा अंदर घुस जाएगा, ऐसे नहीं होता बेटा,
कैसी बातें कर रहे हो, ये असामाजिक अप्राकृतिक बातें कर रहे हो तुम यार, ये बातें मत करो मुझसे, बिल्कुल मत करो। क्या बच्चा सुजू करने वा रहा था होगा? मम्मी दो मिनट में इसी में अपना यूरिया डाल देता हूँ। बोलो यार, क्या बच्चा? अरे मम्मी आज पिज्जा खाना है, तो क्या पिज्जा सप्लाई होगा क्या? नहीं, जो अम्मा खा रही है ब्लड से जो पहुंच रहा है ससुर से चुपचाप ले लो। अब बच्चा दिन भर क्या ब्लड के पाइप में लगा के मुंह लगा क्या ब्लड चूसता रहेगा? नहीं भैया, इसलिए एक रस्सी होती है और वो रस्सी बच्चे की नाभि से कनेक्टेड होती है। आपने नाम सुना होगा अम्बिलिकल कॉर्ड, याद करो 3 इडियट में जब पैदा हुआ था बच्चा तो क्लिप लगा के कोई रस्सी काटी गई थी। वो रस्सी जो होती है ना नाभि से कनेक्टेड होती है और नाभि से सारे ब्लड के पाइप से कनेक्टेड होती है। कोई खींच ले अगर ना, इतनी ब्लीडिंग होगी कि मत पूछो भाई, इमेजिन कर लिए थे, इमेजिन बहुत करते हैं हम इधर। वैसे भी लोग कहते हैं कि ये किसी चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली समझाते हैं। ऐसा मुझे लोगों से पता चला कि मैं कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। इधर काफ़ी प्रैक्टिकल टीचर है ना, आओ इधर, हर चीज़ को फील कराते हैं ना, आओ। तो इस नाम इस रस्सी के माध्यम से चीज़ें कैसे मिल रही होती बच्चे को? तो अब नाभि पे 2 क्लिप लगा के क्या किया जाता है, रस्सी को काटा जाता है। देखा होगा पैरा हुआ बच्चा बड़ा गंधौरा लगता है, अपना मुँह देख लो पहले, उसकी नाभि भी कुछ काला काला ऐसे लटका रहता है, देखा होगा यार। तो क्या कहते हैं, कुछ दिन में सूख के अपने आप गिर जाएगा। बोलो यार, आओ। तो बताओ, माँ और बच्चे का खून अभी मिल रहा है? नहीं, बीच में क्या आ रहा है? प्लेसेंटा। बोलो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ और बच्चे का खून इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। बीच में क्या आ जा रहा है? प्लेसेंटा। पक्का? प्लेसेंटा का काम क्या है? बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें देना, ब्लड ना, ब्लड नहीं मिलता। ऐसा मत बोल देना माँ से ब्लड बच्चे में क्या घूम के माँ के पास आ गया, मजाक चल रहा क्या बे? माँ का ब्लड अलग, बच्चे का ब्लड अलग, वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। इस केस में माँ क्या थी, पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या भैया? मान लो मम्मी के ब्लड का पाइप, तो मम्मी पे आर एस एंटीजन होगा या नहीं होगा? नहीं। बोलो यार, नहीं होगा। और बच्चा कैसा था? आर एस एंटीजन होगा, ये पापा है। दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ एक्साइटमेंट। एक बात इधर आओ, जब बच्चा डिलीवर होगा बाहर निकलेगा, सोचो आज बच्चे का लॉन्चिंग डे है, आज क्या होगा? लॉन्च, चंद्रयान 6। जब ये लॉन्च होगा बच्चा, तो बताओ लॉन्च होते टाइम, देखो बेटा बच्चा सर के उससे बाहर आता है तो कंधा फंसेगा, सीधी सी बात है। पैर की तरफ से आए तो बॉडी स्ट्रीमलाइन है ना, निकालने में आसानी है, पर सर की तरफ से बाहर आता है, कंधा फंसेगा। तो उस खींचातानी के दौरान, किसके दौरान? डिलीवरी के दौरान, खींचातानी के दौरान बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक आध बच्चे का पाइप ब्लड का कट के है, या मम्मी का कुछ ब्लड कट के और बच्चे का ब्लड, नहीं समझ रही? अरे खींचातानी, अरे ये सॉफ्ट स्किन होती है यार, बेहद सॉफ्ट। और सीधी बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर ब्लडी ब्लड तो लगा रहता है। उस खींचातानी के दौरान अगर बच्चे को कहीं हल्की भी चोट चपेट आई, तो माँ और बच्चे का खून आपस में मिल जाए, जहाँ मिला खेल हुआ, पूछो क्या? बच्चे का ब्लड किस में गया? माँ में। माँ क्या थी? आरएच नेगेटिव। क्या वो इस एंटीजन को पहचान पाएगी? हाँ? तुम बात करो मुझसे, तुम आगड़ी हो, नहीं समझ पाई? हाँ? बैठो। क्या मम्मी इस आर एस एंटीजन को पहचान पाएंगी? नहीं। और आर एस
पक्का आर्जेंटीन के खिलाफ मम्मी बना लेंगे आर्जेंटी बॉडी। अब बच्चा आ गया बाहर, अब बच्चा रुका थोड़ी रहेगा कि जब तक आर्जेंटी बॉडी नहीं बनेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम दो महीने तक अटके रहेंगे बीच में, पागल हो गए हो। पहला बच्चा निकल गया बाहर। अब पिताजी वंस, दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, कैसा बेटा? दूसरा बच्चा आया, कौन सा आया? दूसरा बच्चा आया। बीमारी कब होगी? जब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो? पक्का? आर एच एंटीबॉडी मम्मी के ब्लड से निकल के जाएगी बच्चे के ब्लड में, आर एच एंटीबॉडी मम्मी के ब्लड से निकल के जाएगी बच्चे के ब्लड में। मान लो ये आर एच एंटीजन है, आर एच एंटीबॉडी जाकर चिपकेगी। पक्का? बोलो भैया। आरबीसी का वजन बढ़ जाएगा या घट जाएगा? वो आरबीसी को दबाएगा, आरबीसी फटी, हीमोग्लोबिन निकला, लिवर में जाकर बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जॉन्डिस, बहुत ज्यादा सीवियर केस हुआ तो डेथ। कुछ कठिन था? चलो तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? दोबारा देखो, ये बताओ आर एच एंटीबॉडी मम्मी में कब बनी थी? पहले बच्चे की डिलीवरी के टाइम की उसके बाद? बहुत बढ़िया। फिर दूसरा बच्चा आया, आर एच एंटीबॉडी दूसरे बच्चे के अंदर गई? बोलो यार। आर एच एंटीबॉडी दूसरे बच्चे के अंदर गई? बताओ। आर एच एंटीबॉडी दूसरे बच्चे के अंदर गई, आर एच एंटीजन से जाकर चिपकी, आरबीसी फटी, हीमोग्लोबिन निकला, लिवर में गया, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जॉन्डिस। ये ब्लड की कमी होगी क्या? अधिकता ब्लड की कमी को एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। पक्का? आओ बोर्ड की तरफ देखो। ये बताओ कितने लोगों के घर में शादियां हुई अभी तक? अरे घर में किसी की शादी हुई हो? आपके घर में किसी की शादी नहीं हुई तो हाथ क्यों नहीं ऊपर किया? एक बार और ऊपर करो, जिसके से घरों में शादी हुई है आप क्या नहीं हुई? अभी नहीं हुई? अरे मम्मी पापा कैसी बात कर रहे हो भाई? क्या बहन? देखो मम्मी मम्मी होती हैं। क्या होती हैं? क्या होती हैं? मम्मी मम्मी होती है तो मम्मी को हम सोच ही नहीं पाते कि ये मम्मी है। मम्मी के अलावा ये लड़की भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी की बहन भी है ना, मम्मी है। इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? मम्मी है। आओ अब मेरी भावनाओं को समझिए। क्या शादी का टाइम आपके यहाँ ये पूछा गया था कि आपकी आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप क्या है, आपके बेटे का ब्लड ग्रुप क्या है? ये पूछा गया सरकारी नौकरी है या नहीं है? हाँ पूछा गया। कितना कमाता है पूछा गया कि नहीं पूछा गया? लड़की की फोटो दिखाई गई, सुंदर है या नहीं है? उधर से सुंदरता, इधर सरकारी नौकरी काम हो गया। सुनना मेरी बात, सुनना सुनना सुनना। एक बार हमारे मतलब मेरी शादी का पता मेरे घर वालों को काफ़ी बाद में पता चला था, 21 साल में। जिस दिन 21 के हुए थे उसी दिन डर रहता ना यार। देखो जो चीज़ कीमती होती कहीं खो ना जाए, नहीं समझे बात को। अब यार मूड है, कोई आज कह रहा है कि चलो कर लेंगे, कल को उसका मूड पलट गया तो तुझे जिस जिस टेम्परामेंट में उसी जोन में लपेट दो। समझ गया ना मेरी बात? वरना मुंह देखो, समय और दिमाग दोनों बदलने में टाइम नहीं लगता। तो 24-25 साल में मेरे घर में एक रिश्ता आया, ये बोल के मना हो गया मेरा। लड़की वालों ने कहा अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन
सरकारी है कि प्राइवेट? तो हमने कहा तो नहीं कैसे सरकारी है कि प्राइवेट? तो मम्मी कह रही है नहीं प्राइवेट है, खुद की कोचिंग है। तो ठीक ही है, साले ट्यूशन है, सरकारी है कि प्राइवेट? साले सरकार वाले बैठे हैं इधर। सुनो अब सामने देख लो, अब सुनो, शादी के टाइम कभी ये नहीं पूछा जाता कि बहन जी आपका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि इसका जुगाड़ है हमारे पास। कैसे पूछो क्या? माता जी के चोंक दिया इंजेक्शन। क्या इंजेक्शन? किस चीज का? आरएच एंटीबॉडी को खत्म करने का, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन, ताकि आरएच एंटीबॉडी क्या हो, खत्म। पहले बच्चे के डिलीवरी के बाद लगाओगे कि पहले? हाँ, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि भैंस है भी नहीं, फर्जी डंडा चलाओगे? हट हट। अरे पहले भैंस आए तो डिलीवरी के बाद आरएच एंटीबॉडी बनेगी, बोलो यार। पहले लिखा आरएच एंटीबॉडी विल फॉर्म इन मदर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। अगर लिखिए एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन विल गिवन टू मदर, विल गिवन टू मदर, लिखा आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। कर लिया आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। लिखा बच्चा बोलो। yes, ये बताओ सबसे पहले बच्चा आरएच पॉजिटिव था? yes, डिलीवरी के प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे का ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय? डिलीवरी के दौरान माँ का खून किससे मिल गया? बच्चे से। अब बच्चे की आरएच एंटीजन क्या माँ पहचान पाएगी? उसके खिलाफ बनाएगी आरएच एंटीबॉडी? पक्का? अब ये आरएच एंटीबॉडी दूसरे बच्चे के अंदर चली जाएगी और उसके आरएच एंटीजन से चिपक जाएगी और उसका खेल हो जाएगा। एकदम क्लियर है वाली बात? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस खत्म। कल का टॉपिक होगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। गॉट इट? आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।